मुबारक हो, मेहरुनिसा को बेटा पैदा हुआ। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। जारा मैं क्या कहूँ शहबाज को फोन करके, जब उसे पता चलेगा कि हमने उससे झूठ बोला था तो वो कितना खफा होगा। सयान, आपने इसे देखा? दूर से देखा। बिल्कुल आप पर गया है। और इसकी नाक तो हूबहू आपके जैसी है। सयान, क्या बात है, क्या हुआ है, इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? मेरे, तुमने जो मुझे आज खुशी दी है उसके लिए तो मुझे तुम पर सब कुछ निसार कर देना चाहिए, लेकिन मैं आज ये रिवायत तोड़ने जा रहा हूँ। जाए इसके कि मैं तुम्हें कुछ दूँ, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मेरा सब कुछ आपका है, आप मांग कर तो देखिए। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन है, लेकिन जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूँ देना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। कहे, क्या चाहिए आपको? मुझे एक माँ के लिए तुम्हारा बेटा चाहिए मेरे साथ। एक ऐसी माँ जो कि तीसरी बेटी पैदा करने के जुर्म में अपने शौहर के जुल्म का निशाना बनेगी। वो तो अपने शौहर के बगैर रह लेगी, लेकिन बेटियों का क्या कसूर है? उन्होंने कौन सा जुर्म किया? मैं जानता हूँ मेरे निसा, मैं तुम्हारी जिंदगी मांग रहा हूँ तुमसे, लेकिन ये मेरा नहीं, आपका भी बेटा, इस पे आपका ज्यादा हक है, बेशक मुझसे पूछे भी ना। मेरे निसा, अगर तुम्हें तुम्हें बात पसंद नहीं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम पे जुल्म नहीं कर सकता। जुल्म तो हमेशा से मैं आप पे करती आई हूँ। सी बातें कर रही हो, तुमने मुझ पे कब जुल्म किया है? छोड़, मैंने जो कुछ भी कहा भूल जाओ उसे, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, आपने पहली बार तो कुछ मांगा है मुझसे, और इस वक्त मैं कमजोर बन जाऊं? लेकिन मेरू, मेरे लिए यही काफी। क्या आप ऐसा चाहते? ले जाए इसे, दे दे इसे। पूछोगी नहीं वो माँ कौन है? सारा, कौन है? आजो। तुम? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अभी कुछ ही देर पहले अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा है। मेरे लिए तो बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ये खुशी कई सालों बाद दिखाई है। मैंने तुम्हारी शादी पे तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया था ना, आज मैं तुम्हें अपना बेटा दे रहा हूं। सयान प्लीज चले जाओ यहां से, तुम एक बार फिर जज्बाती हो रहे हो। मैं जज्बाती नहीं हो रहा, बहुत
सोच समझ के तुम्हें ये बात कहना चाहिए। सिहान, ऐसी बात ना करो जिसे तुम निभा ना सको। मैं हर बात का अजाला करना चाहता हूँ। अजाला करने का ये तरीका नहीं कि अपनी औलाद किसी और को दे दो। मैं बिल्कुल होश में ये बात कह रहा हूँ जारा, और मेहरुन निसा को भी कोई एतराज नहीं इस बात से। कोई माँ ऐसा करने पे कैसे तैयार हो सकती है? तुमने जरूर उसे मजबूर किया होगा। मैंने किसी को मजबूर नहीं किया। मेहरुन निसा मेरी खातिर कुछ भी कुर्बान कर सकती है। औलाद भी? औलादें बांटी नहीं जाती। मेरे नसीब में जो है वो होके ही रहेगा। लेकिन एक माँ की जिंदगी बचाने के लिए तो दूसरी माँ से उसका बच्चा नहीं छीन सकते। क्या चाहती हो तुम? कि तुम्हारी बेटियों का ख्वाब टूट जाए जो कि घर बैठे एक नन्हे भाई का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपनी बच्चियों को समझा लूंगी। प्लीज सर, मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारा यकीन, तुम्हारी मोहब्बत, सब कुछ, लेकिन तब मैं मजबूर था। और आज मजबूर नहीं हूं? नहीं, आज मैं सारी मजबूरियां खत्म करके आई। मैं अम्मी को भी मना लूंगा, लेकिन प्लीज तुम मान जाओ। अपनी बेटी मुझे दे दो। मैं वादा करता हूं कि मैं और मेहरुन निसा से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेंगे। ये वादा है मेरा, हम कभी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। चलता हूं, थोड़ी देर में आता हूं। तुमने जहान को ये इजाजत दे दी कि तुम्हारा बच्चा उठा के किसी गैर को दे दे? वो गैर नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं इसको नहीं रख सकती। इसकी अम्मी का क्या हाल होगा सर, सोचिए। जहान, ये प्यार बड़ा बेदर्दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा बेटा है।
बयान की शक्ल है ना, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है बेटा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हमारी बेटी। ये किसकी बच्ची उठा के ले आए हो सेहान? बताता हूँ। यहाँ क्यों उठा के ले आए हो? क्योंकि ये अब हमारी बेटी है। नहीं, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात को। क्या मतलब है इस बात से तुम्हारा कि तुम्हारी बेटी? अभी आप मेरी बात बहुत हौसले से सुनिएगा। मैं अपना बेटा ज़ारा को दे रहा हूँ। ठीक है तुम्हारा ज़ियान? अभी देखे प्लीज। पागल हो गए हो क्या? अपनी औलाद उठाकर किसी दूसरे को दे? नहीं, आपने देखा तो था उसकी अम्मी कितनी परेशान थी। उसका मियां छोड़ देगा उसे। तो बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो उसे छोड़े, वो उसे रखे, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपना बच्चा उठा के उन्हें दे दें। क्योंकि मैंने उसे जिंदगी भर कुछ नहीं दिया अम्मी। और अब अपनी औलाद की सूरत में वो कर्ज चुकाना चाहते हैं। कर्ज नहीं अम्मी, मैं ज़हरा की बेटियों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मासूम है वो। नहीं सेहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत हर किस नहीं दूंगी। मेहरुन्निसा के बारे में सोचा है तुमने? एक माँ से तुम उसका बच्चा जुदा करना चाहते हो? जुल्म है, जुल्म है। खाना जान, इसकी इजाजत उन्हें मैंने खुद दी है। क्या तुमने इजाजत दी? तुमने ज़ेहान को ये इजाजत दे दी कि तुम्हारा बच्चा उठा के किसी गैर को दे दे? वो गैर नहीं, वो तो कब से हमारे साथ, हमारे घर में। सेहान के दिल में ये तो इनकी अच्छाई है कि उन्होंने मुझे कभी जाहिर नहीं होने दिया और अपना रिश्ता बखूबी निभाया। अगर ये आज मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो क्या मैं इनको इनकार कर दूं? मेहरुन्निसा, मेरे लिए मान जाए, आपने हमेशा मेरी हर बात मानी, हर ख्वाहिश पूरी की। एक आखिरी बार, शायद नाराज हो गए। आप इनकी फिक्र मत, मैं उन्हें मना लूं। आप बस
रुके ना, नब्ज चले मेरी सुबह उगे ना, शाम ढले तूने जिंद ही मुश्किल कर दी वे बेदर्दी, वे बेदर्दी ये प्यार बड़ा बेदर्दी। तुम आ गए, मुझे लगता था कि तुम नहीं आओगे। कैसे नहीं आता, वादा करके गया था दोनों से। तुम्हारी बीवी और तुम्हारी अम्मी मान गए? क्या मेरी गोद में यह बच्चा आपके सवाल का जवाब नहीं? क्या तुम वाकई ऐसा कर रहे हो ज़ियान? आपको भी शक है क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ज़ारा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। तुम्हारा बेटा रो रहा था मेरे में से जब वो मुझसे जुदा हो रहा था, एकदम रोने लगा कि तब बदनसीब बाप जो अपने हाथों से अपने बच्चे को किसी और के हवाले करके आए। आपने उसे किसी गैर के हवाले नहीं किया, उसका बहुत ख्याल रखेगी, शायद हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से पाल सकेगी उसे। बहुत जालिम हूं, तुम्हारी गोद मैंने खाली कर दी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी गोद कहाँ खाली है, देखो सारा की बच्ची कितने प्यार से मेरे साथ यहाँ पे सो रही। सारा का शौहर पता नहीं वो मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक करे। उसको तो हमेशा से बेटा चाहिए, बहुत खुश होगा, भरपूर प्यार देगा। तुम इतना सब्र कहां से आया मेरे? मेरे मालिक की अता है, शायद उसने इस कुर्बानी के बदले मेरे लिए कोई नाम रखा। और वैसे भी हमारा बच्चा और सबके चेहरों पे कितनी मुस्कुराहट फैला रहा होगा। देखिए कितना हैंडसम है। तुम्हारी तरह। राफिया तुम्हारा तो फोन जैसे ही हमें मिला हम दौड़े चले आए, खुशी इतनी बड़ी थी। जी बिल्कुल, पर आंटी आप मुझे फौरन फोन कर देती मैं आ जाता, आपने तो सब कुछ अकेले ही कर दिया। बस ज़ारा की अचानक से तबीयत खराब हो गई, उसको यहाँ लाना पड़ा। वैसे भी ज़ारा बता रही थी तुम इस्लामाबाद गए हुए थे। जी जी बस फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि सब खैरियत से हो गया। क्या बात है,
हमारी बेटी क्यों इतनी खामोश है? कुछ नहीं। ज़ारा तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। बस इनके दादा और बच्चे भी आ रहे हैं। साजिदा तुम अगर इजाज़त दो तो कुछ दिनों के लिए ज़ारा को अपने साथ ले जाओ। नहीं अम्मी, वो मैं दानियाल को इतनी जल्दी। जी जी जरूर लेके जाएं। तुम भी आखिर नानी हो और ये खासी कमजोर हो गई है। माएँ जितना ख्याल रखती हैं उससे ज्यादा तो कोई और नहीं रख सकता। अम्मी, अरे आखिर को तो हमारे घर आना है ना, परेशान क्यों हो रहे हो? इसे जब देखना होगा हम यहाँ चले आएंगे। इधर ला। आराम से अम्मी, आराम से। आराम से अम्मी। अरे वाला बच्चा, क्या बात है? ये देखो। खाला जान अभी तक नाराज है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। मम्मी हमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। नाराजगी छोड़ दें प्लीज। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। तो फिर ऐसे मुंह फेर के क्यों खड़ी हुई है? अपनी पोती को आपने अभी तक कोई दुआ नहीं दी, कोई सदका नहीं दिया इसका, अपनी गोद में नहीं लिया इसको। ये मेरी पोती नहीं है। तो फिर किसकी पोती है? यहां पे और तो कोई दादी नहीं खड़ी। तुमने मुझे इस रिश्ते से भी महरूम कर दिया। अम्मी कैसे महरूम हो गई हैं? ये रिश्ता है ना आपके पास, देखें इसे। देखा आपने, जैसे ही आपको देखा फौरन आंख खोली इसने। ये लीजिए, संभालिए अपने पोती। मुझे अकेला छोड़ना मेरा हिस्सा प्लीज। खाला जान को मैंने इस तरह कभी नहीं देखा। हाँ, वो इस तरह हमसे कभी नाराज नहीं हुई। आपको उनको एतमाद में लेके पहले ही मना लेना चाहिए था। सही कह रही हो, अगर मैं उन्हें पहले बताया था तो शायद वो इस तरह नाराज ना होती। धनी कब तक नाराज रहेंगी वो हमसे? वैसे मैं जानता हूँ कि वो ज्यादा देर तक हमसे नाराज नहीं रह सकेंगी। और इस बच्ची से
बच्चे तो वैसे ही मासूम और प्यारे होते हैं, उनसे भला कोई कितनी देर तक नाराज रह सकता है। खाला जान का दिल बहुत बड़ा है, जल्दी पिघल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए तो कुछ ज्यादा ही नरम हूं। याद है मामा आप कहती थी, तुम ऐसे लड़के के पीछे क्यों भागती हो जिसको तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। देख लिया आपने, उसे अब भी मेरी परवाह है, इतने सालों के बाद भी। ये प्यार शुक्र है कि साजिद और शबाज को शक नहीं हुआ। शक कैसे होता, शर्मी ने सब संभाल लिया था। हाँ अगर वो ऐसा ना करती तो ये मुमकिन नहीं था। हाँ उसने तो मेरा घर टूटने से बचा लिया। वैसे ज़ियान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ज़ियान से ज्यादा मेहरुन्निसा ने। मुझे तो उस लड़की पर हैरत है, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए वो राजी कैसे हो गई। शर्मीन बता रही थी कि वो ज़ियान से बहुत मोहब्बत करती है, उसकी कोई बात नहीं टालती, वो जो वो कहता है वही करती है। उसी की वजह से ज़ियान ने तुम्हें छोड़ा था ना? नहीं उसकी वजह से तो नहीं। अच्छा खैर छोड़े, जो बातें गुजर गई हैं उनको दोहराने का क्या फायदा। हाँ सही कह रही हो, उसे पता नहीं उन दोनों पर क्या गुजर रही होगी। अपनी इकलौती औलाद किसी को यूं उठाकर दे देना आसान बात नहीं होती। याद है मामा आप कहती थी, तुम ऐसे लड़के के पीछे क्यों भागती हो जिसको तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। देख लिया आपने, उसे अब भी मेरी परवाह है, इतने सालों के बाद भी। वरना वो अपनी इकलौती औलाद मुझे क्यों देती थी। Yes.
सब ठीक हो जाएगा। बस करते हैं। प्लीज इस तरह मत करें, आपकी तबीयत खराब होगी। अभी तो हमें खाला जान को भी मनाना है, और अगर वो आपको इस हाल में देखेंगी तो खुद कैसे मानेंगी। आपने जो कुर्बानी जारा और उसकी बच्चियों के लिए दी है वो ऐसी जाया जाने देंगे? परेशान मत हो, हौसला रखिए। आई एम सॉरी, मैं बहुत जज्बाती हो गया था। इतनी लंबी उम्र पड़ी हुई है, अब इसे इस तरह परेशान होंगे उम्र कैसे गुजारेंगे? मैडम साहब, क्या मैंने गलत किया? नहीं, किसी के घर को बचाना क्या गलत होता है? मैडम साहब, तुम बहुत अच्छी हो। अम्मी का फैसला बिल्कुल ठीक था। क्यों, आपको अब पता चला? पता तो बहुत पहले से था, लेकिन अब यकीन आ गया। अरे मैंने तो शहबाज से कहा कि मुझे यहाँ छोड़ दे, मेरा बड़ा जी चाह रहा था अपने बच्चे को देखने का। आंटी, आपका कभी ऐसे दिल बिस्मा और अनम को देखने को तो नहीं चाहा? हाँ भैया, बिस्मा और अनम को तो देखते रहते हैं ना, काफी टाइम हो गया। और उनका मेरे पोते से क्या मुकाबला? तानी आंटी, आप ऐसे क्यों सोचती हैं? आखिर वो भी आप ही का खून है। जानती हूँ, समझाओ मत मुझे। क्या हो गया जारा, क्यों बिलावजह बहस कर रही हो? आदत है इसकी, छोटी छोटी बात पे बहस करना शुरू कर देती है। तुम छोड़ो ना साजिदा, अपने पोते को देखो कितना प्यारा है, माशाल्लाह बिल्कुल शहबाज पे गया है। बिल्कुल शहबाज की तरह है, मगर इसकी नाक अच्छी है खड़ी, शहबाज की ऐसी नहीं थी बचपन में। अभी तो बच्चा है, बड़े होने तक पता नहीं कितनी शक्लें बदलेगा। हाँ ये तो है। भाई साहब क्यों नहीं आए, उन्हें भी ले आती? नहीं आएंगे, कह रहे थे कि शाम को शहबाज के साथ इसे मिलने आएंगे। जान कब तक नाराज बैठी रहेंगी? प्लीज खाला जान, ये नाराजगी अच्छी नहीं है। मेरी खाला जान ऐसी नहीं है, मुझसे नहीं नाराज हो सकती। क्यों नाराज नहीं हो सकती? तुम लोग तो मुझसे मशवरा लेने की भी जहमत गवारा ना करो, और मुझे तुम लोगों से नाराज होने का भी हक नहीं। बिल्कुल है, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? मेहरुनिसा, तुमने भी नहीं रोका सेहान को। कैसे रोक दी खाला जान, जिंदगी भर उनसे सिर्फ लिया है,
पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा, कैसे रोकती? बहुत कर्ज था मुझ पर उनकी मोहब्बतों का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपना कर्ज उतारने के लिए अपना बच्चा किसी और की गोद में डाल दो। हमारा बच्चा उन बच्ची और जारा के लिए साहिबान बन जाएगा खाला जान। और हमारा साहिबान वो तो छीन लिया ना तुम लोगों ने। क्यों खाला जान, अल्लाह ज़ियान को सलामत रखे, हमारे साहिबान तो वो है ना। खाला जान मेरा फोन बज रहा है, शायद ज़ियान का फोन होगा, आप इसको संभाल लें। अच्छा मैं यहाँ पे। सारे काम दादू से करवाती हैं आप, मम्मा से क्यों नहीं बनवाती हैं बाल? दादू मामा बाल खींचती हैं और आप आराम से बनाती हैं। हाँ मामा बाल खींचती हैं, अभी डांटती हूँ मैं मम्मा को। नहीं दादू, मुझे आपसे बाल बनाने में मजा आता है। ओ इसीलिए तो मैं अपनी गुड़िया को खुद तैयार करती हूँ। अगर आप तैयार हो गई हैं और आपकी बुराइयाँ खत्म हो गई हैं तो नाश्ता कर ले चल के। कर लूंगी ना मामा, पापा भी तो अभी तक तैयार नहीं हुए। पापा बिल्कुल रे, देखो आ भी गए। रेडी हैं? जी पापा। मैडम साहब नाश्ता रेडी? जी तैयार। भाई अब हमारी एमन तुमसे पहले तैयार हो जाती है। सॉरी बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जल्दी करें ना पापा, मुझे स्कूल से देर हो जाएगी। फिक्र मत करो बेटा, मैं गाड़ी तेज तेज चलाऊंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गाड़ी तेज नहीं चलानी है तुमने। अच्छा मेरी एमन बैठी होती है तुम्हारे साथ। मामी हमारी तो कोई फिक्र नहीं आती। आपकी फिक्र क्यों नहीं होगी, आप ही की वजह से तो ये है। कोई भले ही लोग थे जो बच्चा तुम्हारे हवाले कर दिया, खुदा ना खास्ता किसी गलत हाथ में पड़ जाता तो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इनफैक्ट वो लोग हमें ही ढूंढ रहे थे। वो हमारा बेटा था, कई साल पहले हम उसको किसी और को गोद दे चुके हैं। आखिर एज अ थैंक यू जेस्चर मैं उन्हें एक दावत देना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा था यहीं घर पर बुला लेते डिनर पर। घर पर? हाँ ठीक है ना। से
दी।